Hello and welcome all. Cricket Graph presents live chat series powered by Hell Energy Drink, a Hungarian brand which gives you 5 vitamins and keeps you hydrated. And of course, co-powered by Love for Cricket within us. Jay Bista from Mumbai Ranji Trophy team joins us this evening. Let's get across straight away to him. Hi Jay. Hi. How are you? Good, how are you? Yeah, I'm doing fine, buddy. So, kaisa chal raha hai aapka lockdown? लॉकडाउन फिलहाल जैसे सभी का चल रहा है. ओके, घर पे है, बैठे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है, पर अच्छा है, ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा टाइम ऑफ मिला है क्रिकेट से. कौन सा फेज लॉकडाउन का अभी तक सबसे अच्छा रहा है? 1, 2, 3, चौथा भी आ रहा है. ऐसा देखा जाए तो कोई फेज अच्छा नहीं था, बट हाँ, मैनेज हो रहा है किसी तरह. गुड, या वी ऑल कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट. जय, हमने सुना है कि आपने बहुत सारे मैचेस वानखेड़े में बिना टिकट देखे हैं, क्योंकि आपका घर वानखेड़े के पास है. सो हाउ इज इट, हाउ इज द एक्सपीरियंस यू नो लिविंग अलोंगसाइड द वानखेड़े? एक्सपीरियंस हैव बीन ऑलवेज लाइक इफ यू हैव अ स्टेडियम बिहाइंड योर हाउस इटसेल्फ, इट्स ऑलवेज यू आर लकी दैट यू कैन सी द गेम एवरी टाइम इफ अ गेम इज हेल्ड ओवर हियर. एंड या लाइक यू कैन से दिस, maybe this is why I've started playing cricket, because I've been seeing a lot of game from a terrace itself, and yeah, I'm lucky to stay here, that's what I can say. Yeah, but Jay, aapki cricket journey ki baat karte hain, you know, it all started at a very young age to you, so of course Wankhede was in a stone throw's distance from your home, but kaise shuruaat hui is cricket journey ki, kab aapko laga ki yahi ek cheez hai jo mujhe aage leke jayegi? I guess मेरी मॉम बोलती है कि मैं पहले से ही क्रिकेट के लिए पागल था. हम लोग बचपन में खेलते थे, बच्चे लोग बिल्डिंग में, तो हम लोग खेलते ऐसे थे कि सुबह सुबह स्टार्ट करते थे और रात को एंड करते थे, नो ब्रेक बीच में या कुछ नहीं. तो हमें वॉचमैन भगाने आते थे कि अब चले जाओ, क्योंकि गाड़ी के कांच बहुत फोड़े हैं हमने तो बिल्डिंग्स में, या बिल्डिंग के खिड़कियां बहुत फोड़े, तो भी हम लोग वो मानते नहीं थे. तो यही पागलपन था पहले से क्रिकेट के लिए. मेरे दोस्त लोग के साथ पूरा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पूरा दिन क्रिकेट खेलते थे, तो इसीलिए मेरी मॉम ने एक बार मेरे डैड को बोल दिया कि ठीक है, इसे क्रिकेट में डाल दो. तो मेरे डैड ने जिम खाना, पीजे इंदु जिम खाना आपने नाम सुना होगा, वहां पर मेरे डैड ने मुझे क्रिकेट कोचिंग के लिए डाल दिया समर वैकेशन में, और वहां से मेरा क्रिकेटिंग जर्नी स्टार्ट हुआ. और वहां से चल के आज हम देख रहे हैं जब इष्टा मुंबई रणजी ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं, सो मच यू नो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आर देयर. जो बात करते हैं उस मोमेंट की जिसने जय बिस्टा को पूरा लैंडलाइट में लाया, वो 2016 का ईरानी ट्रॉफी मैच. इट वाज अ डिफिकल्ट यू नो डेब्यू जर्नी व्हेन यू स्टार्टेड, बट बात करते हैं जो उसके बारे में, किस तरह की इनिंग थी वो, कैसे अपने आप को आपने रिवाइव किया, आप टीम में नहीं थे फाइनल्स के लिए, एंड सडनली रेस्ट ऑफ इंडिया अगेंस्ट वो यू नो तूफानी शतक. उस साल मेरे ख्याल से मेरा बैटिंग सबसे पीक पे चल रहा था. ऑब्वियसली मैं 3-4 रणजी ट्रॉफी खेल चुका था उसके पहले, उसमें से मैंने एक मैन ऑफ द मैच लिया था, और आई गेस अंडर 23 में मैंने बहुत रन बनाए थे. क्वार्टर फाइनल्स में मैंने 5 विकेट लिए थे, सेमीफाइनल में अनफॉर्चुनेटली मुझे बाहर जाना पड़ा और मैं अंडर 23 गेम खेलने गया. बट जैसे मैंने कहा कि मेरा बैटिंग बहुत अच्छा हो रहा था, मैंने बहुत रन किए थे उस साल, और You can say that was my year. Unfortunately, मैं ड्रॉप हो गया, बट जब मैं ईरानी ट्रॉफी खेलने आया, ईरानी ट्रॉफी में आया, हम लोग अंडर 23 फाइनल जीत के आ रहे थे, उसमें मैंने अबाउट 200 रन एक दिन में किए थे, तो वहां से कॉन्फिडेंस अच्छा था. बट ऑब्वियसली जब मैं सीनियर टीम के लिए कम बैक कर रहा था, कि थोड़ा प्रेशर था, बट मैंने यही सोचा कि मैं जाके अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा, और हो गया. लाइक यू कैन से विद द मोशन मैंने वो रन कर दिए, और अभी भी वो मेमोरीज मेरे अंदर है. जैसा आपने कहा जय, अंडर 23 के फाइनल्स में 200 करके आप आए थे, और रेस्ट ऑफ इंडिया का बॉलिंग अटैक काफी डिसेंट था, जेडी देन जयंत यादव एंड स्पेशली द मुंबई लाइनअप वाज स्टार स्टडेड, श्रेयस सूर्या ऑल वर देयर, बट आई थिंक आपने जो इनिंग्स खेली वो आउट ऑफ शैडो थी, यू नो एंड दैट टू एज अ ओपनर. So how was that experience when you were, of course, there must have been a pressure also. जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेशर था, पर मैं रन्स कर गया, देयर वर रन्स बिहाइंड मी,
और मुझे पता था कि मैं बैटिंग तो अच्छा ही कर रहा हूँ, सिर्फ जाके इम्प्लीमेंट करना है मुझे, मुझे अपना गेम खेलना है। और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं जस्ट गया और अपने आप को एक्सप्रेस किया, और वही होता है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, आप अपना गेम खेल पाए प्रेशर सिचुएशन में, तो आप ऑब्वियसली अच्छा ही करोगे, वही करना रहता है हमेशा, और वही मैंने अचीव किया उस टाइम। जी, यू हैव रिप्रेजेंटेड मुंबई अंडर 16, अंडर 19, देन ऑफ कोर्स यू नो यू प्लेड फॉर अंडर 23। वो कौन सा फेज था आपकी क्रिकेट जर्नी का जहां पर लगा कि हाँ अब थोड़ी मंजिल नजदीक है, रणजी ट्रॉफी तक मैं पहुंच पा रहा हूं? मुझे लगता है अंडर 19 लास्ट ईयर जब मैंने अराउंड 1500 रन किए थे पूरे सीजन में, मुझे लगा उस साल मुझे शायद चांस मिल जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला। मुझे एटलीस्ट T20 मिला था, उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ था, पर शायद तब अच्छे प्लेयर्स थे, ब्रेक थ्रू नहीं मिला उस टाइम। बट फिर अंडर 23 में जब चांस मिला मुझे, और शायद उस साल में अंडर 23 पिक भी नहीं होने वाला था, फर्स्ट मैच में ऐसा था कि जय को पिक करे या नहीं, और लकीली गॉल वाज इतनी और मैंने फर्स्ट मैच में 200 कर दिया, और उसके बाद होते गए रन्स, और मुझे ऐसा लगा कि शायद इस साल चांस मिल जाएगा मुझे, और लकीली एक मैच मुझे बुलाया गया, मैं शायद टीम में खेलने वाला था, फिर रोहित शर्मा आ गए और उनको खेलना था वो मैच, तो यूपी का मैच मुझे वापस छोड़ के अंडर 23 ज्वाइन करना पड़ा अगेंस्ट बंगाल, फिर से मैंने दोनों इनिंग में 200 किए, फिर लकीली मुझे अगेंस्ट रेलवे चांस मिला। तो जर्नी अप एंड डाउन था, बढ़िया बढ़िया था, एंड ऑफ द डे था बढ़िया। Yeah, but you know, whenever we won't say you were dropped, but whenever there was a kind of scenario when you were not representing senior team, it was a blessing in disguise. आपने हमेशा वापस जाके under 23 में 100-200 ही करते रहे, वापस फिर टीम में आकर। हाँ, मेरा जैसे मैंने बोला कि आपको बैटिंग में हमेशा जब भी मैं रन कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप होना पड़ रहा था मुझे, और अंडर 23 का मेरे पास एक क्वेश्चन था, और मुझे इतना पता था कि रादर देन सीइंग इफ आई एम ड्रॉप्ड और प्लेइंग फॉर एनी टीम, आई नीड टू गो एंड परफॉर्म फॉर द टीम एंड विन अ गेम फॉर माय टीम, सो दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग एट दैट टाइम, रादर देन थिंकिंग अबाउट माय सिलेक्शन इन द टीम और नो। सो या, दैट हेल्प मी, आई नेवर थॉट अबाउट द सिलेक्शन, as you could have seen in the past that I have been dropped after scoring 100, after taking a man of the match, or after taking a 5 wicket, I had been dropped. But yeah, as you, it's just the phase of the life, you have to take into your stride and move forward. True, it all part and parcel of game, as they say. Jay, Bista Scoop ke baare mein baat karte hain, ye term bahut famous kiya aapne. So, कैसे इसको इजाद किया, कहां से आया ये सडनली? मैंने इसके बारे में पहले ही इंटरव्यू में कहा था कि बिस्ता स्कूप, एक्चुअली आप लोगों ने नाम रख दिया, तो ये कहीं मैंने प्रैक्टिस नहीं किया या कुछ नहीं किया, जब मुझे लगता था कि बॉलर अच्छा बॉलिंग कर रहा है तो मैं चाहता था कि बॉलर का लाइन खराब करूं, तो एक मैच में मैंने वो शॉट खेला, पीछे मारा, क्योंकि फाइनल लेग अंदर था तो मैंने वो शॉट मारा और वो लकीली अच्छा एग्जीक्यूट हो गया, तो मैंने सोचा कि अगर ये अच्छा एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्यों ना खेले वापस। तो वैसे मैं रेगुलरली नहीं खेलता वो शॉट, क्योंकि अगर मुझे अच्छे शॉट्स पे रन आ रहे तो मैं वो शॉट नहीं खेलूंगा, बट हाँ, अगर कहीं प्रेशर है या टीम को रिक्वायर है तो वो मैं शॉट खेलता हूँ, और हमेशा वो नहीं, I couldn't execute it every time, but yeah, it's kind of a shot which I use it when I'm in pressure and just to bring down the bowler. More of a pressure relieving from the scenario. Yeah, pressure release shot you can say. But Jay, एक जगह जहाँ पर आपने बिस्टा स्कूप use किया वो था Ben Stokes के आगे, तो पहले हम जानना चाहेंगे कि Ben Stokes ने क्या कहा? वो गेम में एक्चुअली Ben Stokes अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, मुझे बीट किया एक बॉल, बहुत तेज बॉल था, उसके बाद मैंने उनको स्टेप आउट होके पॉइंट के वजह से चौका मार दिया, तो उन्होंने मुझे गाली दिया, ठीक है, वापस मैंने सेम चीज रिपीट किया, स्टेप आउट होके ऊपर से मार दिया,
और वो गाली देते जा रहे थे और मैं अपना गेम खेलते जा रहा था. मुझे मुझे पता था मैं गाली नहीं दूंगा इनको. मैं अपना अपना स्ट्रोक्स खेल रहा था, मैं अपने जोन में था क्योंकि मेरा बैटिंग अच्छा हो रहा था उस टाइम. तो या फिर बाद में वो उन्होंने दो बॉल अच्छा डाले तो तीसरा बॉल मैंने उनको स्कूप कर दिया. या बट नो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस मैच की जिसमें यूं कहें कि जय बिस्ता इंग्लैंड के लिए इंग्लैंड के ही खिलाफ खेल रहे थे. तो जय, इट्स अ वेरी फनी स्टोरी. यू नो, फोर इंग्लिश प्लेयर्स वर प्लेइंग फ्रॉम एमसीए टीम एंड यू गाइस वर पुट अप अगेंस्ट इंग्लैंड इटसेल्फ एट ब्रैबोर्न. सो व्हाट वाज दैट फनी स्टोरी? हाउ कम फोर इंग्लिशमैन वर प्लेइंग फ्रॉम योर साइड? So basically it was a practice game for the English team which were traveling for the World Cup in India. I think so it was in 2018 something. 18 or 16, I don't remember. So yeah, they were traveling and they wanted a practice game. So yeah, so we were playing against Brabourne and they requested us if they can play four of their players in our team because it was important for them to practice. But then we they had four player, I think so, Vince, David Willey, and Adil Rashid was playing. Adil Rashid. In our team. Yeah. And, you know, you opened the innings and that was a quick 550. Bahut tej 50 bana tha aapne. I scored on 55 runs. Actually, we won that game, I guess. And how was the experience? Plunkett, Stokes, quality bowling, international bowling stars? Like I said, I was in a good touch that year. That was the year when I scored 109 Irani trophy and a lot of runs before that. So, yeah, I was in a good touch. I just went there and played my game. I hit the first ball for a 6 to Jordan. So, all the confidence started from there itself. And I just went with the flow. Yeah, it came well. Jay, इस सीजन की बात करते हैं. You did one thing very spectacular. Can you guess? T20? In Ranji Trophy? Ranji Trophy. Ranji Trophy, this year was a very quiet year. I couldn't do quite that. Yeah. But you did something extraordinary, you know, against Tamil Nadu? Oh, yeah. Yeah. बाबा अपराजित के कैच की जो जय बिस्ता ने सेकंड स्लिप पे पकड़ा. तो जय, एक चीज पूछेंगे उसके बारे में, वो हेलमेट कहां से आया सेकंड स्लिप में? बेसिकली क्या हुआ कि स्लिप्स पीछे खड़े, कीपर से पीछे रहते हैं, तो वहां पर लो बाउंस था तो कैरी नहीं हो रहा था बॉल स्लिप तक. तो हमने डिसाइड किया कि जो सेकंड स्लिप होगा वो एकदम बैट्समैन के नजदीक खड़ा हो जाएगा. तो फर्स्ट स्लिप पीछे था और मैं एकदम नजदीक था, तो स्लिप में बेसिकली रिएक्शन नहीं रहता आपको ज्यादा, और मैं एकदम आगे खड़ा था तो इसलिए हेलमेट पहनना जरूरी था. विदाउट हेलमेट मुझे खड़ा रहने नहीं देते अंपायर स्पेशली. तो यार हेलमेट पहनना, बहुत नजदीक खड़ा था मैं उनके बैट्समैन के. लाइक अ सिली स्लिप, सिली पॉइंट बोलते हैं आप, तो सिली स्लिप बोल सकते हैं. सिली स्लिप. Right. So it was not, you know, by chance ki Jay Bista was standing in second slip wearing a helmet. No, it was planned actually. We did that in a few games too because India mein bahut sare jagah pe low bounce rehta hai. So slip mein catches carry nahi hote especially fast bowlers ke. So wo isliye humne chance liya aur luckily wo kaam aa gaya hame. Kaam aa gaya. Right. But that was spectacular catch. We have watched it many times, you know. And जब मुंबई T20 लीग की बात करते हैं, you led the team of, you know, Sobo Supersonics. So कैसा experience रहा ये इस format का, and how it is helping the, you know, experience of Mumbai cricket, how it is giving the platform? देखिए मुंबई T20 बहुत time से try कर रहे थे हमारे association करने के लिए और eventually वो हो गया. बहुत essential था जो local players है उनको लाइमलाइट में आना. जैसे आपने देखा शिवम दुबे आज कहां पर है, उन्होंने जैसे अपने आप को एक्सप्रेस किया इस टूर्नामेंट में, आज वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो या ऑब्वियसली बहुत जन के लिए ये स्टेपिंग स्टोन है स्पेशली फॉर द लोकल प्लेयर्स, और पीपल का रिस्पांस देख के बहुत अच्छा लगा
every time there were people coming for the game. We did not expect it, but yeah, it was a great experience, you can say. Playing in front of 30,000 in the finals, that was a great experience. एंड स्पेशली यू नो जय आपकी बात करते हैं, कप्तान थे आप सबो सुपरसोनिक्स के, टीम फाइनल तक पहुंची, तो वो सफर कैसा रहा कप्तानी का? एंड यू नो योर टीम वाज पिच्ड अगेंस्ट गुड साइड्स, सूर्या थे, देन यू नो पृथ्वी शॉ इन योर अपोजिशन, सो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए हमने जब टीम पिक किया, हमें इतना पता था कि हमारे पास कोई स्टार स्टडेड प्लेयर है नहीं. आई वाज द मोस्ट पराग खानापुरकर, ध्रुमिल मटकर, दीपक शेट्टी, शशांक अतडे, दे केम रियली गुड and did good in the tournament. So at the start of the tournament, we spoke about this, that whatever happens in the tournament doesn't matter. We are going to play to our potential. Doesn't matter who is in front of you, which player comes in front of you. We are going to express ourselves, and the most important thing what we are going to do is going to play as a team. जैसे आपने देखा रहेगा पूरे टूर्नामेंट में हमने बैट से इतना ज्यादा अचीव नहीं किया, पर हम एज अ टीम खेल रहे थे. तो हमारा फील्डिंग डिपार्टमेंट या हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट, हम जो भी चैलेंजेस थे वो एक्चुअली हमने अचीव किया. तो वही हमने बात किया था कि हमारा गोल रहेगा एवरी मैच में एक्सप्रेस करना अपने को, प्रोसेस फॉलो करना. और हाँ, जैसे मैं बोला कि ये एक का परफॉर्मेंस से हम फाइनल तक नहीं पहुंचे, हम सब एज ए टीम खेले और इसीलिए एटलीस्ट हम फाइनल तक पहुंचे. अनफॉर्चुनेटली हम जीत नहीं पाए, बट या I was proud of my team. That's what I can see. True. I mean, as you said, it was not a star-studded team, but you know, traveling wholesome journey and reaching the finals itself was a big achievement. Jay, आपने अब हमने बात किया अभी मुंबई T20 लीग का, then DY Patil T20 लीग है जो हमारे शहर में खेला जाता है, जिसमें you know from all over India you know star players they come out for their you know employers and they play. उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि उसमें भी चेतेश्वर पुजारा, सूर्या, श्रेयस अय्यर, काफी लोग शरीक होते हैं. सो हाउ द एक्सपीरियंस ऑफ दैट? आई थिंक यू रिप्रेजेंट जैन इरिगेशन. उसका एक्सपीरियंस भी एक अलग ही रहता है, क्योंकि आपको सब स्टेट के बेस्ट प्लेयर से खेलने का मौका मिलता है, और वहां पर आप दिखा सकते हैं आपका क्वालिटी. और जैसे वहां के ग्राउंड, आई थिंक सो बेस्ट फैसिलिटीज रहता है वहां पर, गुड ग्राउंड, गुड बॉल, गुड अंपायर. सो या इट्स अ गुड एक्सपीरियंस यू कैन से. राइट राइट. जय, बहुत कम उम्र में आपने मुंबई के लिए डेब्यू किया, और मुंबई की टीम में जगह बनाना कितना मुश्किल होता है ये हम सबको मालूम है. अब आगे की जर्नी को हम कैसा देखते हैं, यहाँ से जय विष्टा को हम कहाँ देखेंगे आगे? देखिए ऑब्वियसली जो क्रिकेट स्टार्ट करता है खेलना है, वो स्पेशली इन इंडिया ही वॉन्ट्स टू रिप्रेजेंट हिज कंट्री. मेरा भी वही सपना है कि मुझे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है. बट राइट नाउ आई एम टेकिंग स्टेप बाय स्टेप. जैसे इम्पोर्टेंट रहेगा मुझे, जहाँ मुझे चांस मिलता है वहां पर मैं परफॉर्म करूँ और अपने आप को एक्सप्रेस करूँ. मैं आगे के बारे में नहीं सोच सकता कि मुझे इंडिया खेलना है, वो हो जाएगा अगर मैं, इफ आई एम गुड इनफ टू प्ले फॉर इंडिया, आई विल प्ले समडे. बट द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिलीविंग इन माई सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो राइट नाउ आई एम टेकिंग स्टेप बाय स्टेप व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ मी. आई वांट टू डू गुड इन दैट, एंड या इफ आई एम गुड, आई एम ऑब्वियसली गोना प्ले समथिंग समडे. जय, हमने पढ़ा था आपके बारे में, आपने कहा कि रणजी ट्रॉफी के एक सीजन में आप कितने रन बनाते हैं, 800-900, वो एग्रीगेट बहुत मैटर करता है कि किस तरीके से आपका नो फ्यूचर सिलेक्शन होगा. तो वही जानना चाहेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पूरे सीजन में. आप बीच बीच में एक और दो बड़ी इनिंग खेल लेते हैं, पर लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है तो परफॉर्मेंस कहीं काउंट नहीं होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कंसिस्टेंसी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जैसे मैं अपनी बात कर लू, जब मैं अच्छे
आप ब्लू पैच बोल सकते हो, जब मैं बहुत रन कर रहा था अनफॉर्चुनेटली मुझे ड्रॉप होना पड़ा आफ्टर फर्स्ट गेम, आफ्टर स्कोरिंग 100 मैच इन द फर्स्ट गेम इटसेल्फ, और उसके बाद मुझे 4 गेम मिस करना पड़ा. आई मिस अबाउट 4 गेम्स, 4 इम्पोर्टेंट गेम्स. उसके बाद मैंने वापस कमबैक किया, वापस 100 किया मैंने, और अनफॉर्चुनेटली हम क्वार्टर फाइनल हार गए. तो मुझे 3 मैच मिले और उसमें मैंने 200 किए थे. तो उस साल शायद यू नेवर नो, आई कुड हैव स्कोर्ड रन्स एंड कुड हैव गोइंग टू द टीम. बट या कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और देखिए हर साल आपका नहीं रहता, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आपका अच्छा चल रहा होता है आप इतना करके रख दे कि चांस नहीं रहे किसी को बोलने का कि हाँ ये प्लेयर नहीं खेल सकेगा. जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है आपने कैश ऑन करके रख देना चाहिए. Right, as I say, make it count when it's, you know, everything is working for you. No. Okay, Jay, thanks a lot for this wonderful lockdown evening. And thanks a lot for being with us. Cheers. Okay, viewers, welcome to the community section. And the best of the questions gonna get a surprise gift hamper from Hell Energy Drink. Okay, Jay, we're gonna test you with the community questions now. पूछते हैं जय कि स्पेक्स के साथ खेलना क्या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है फील्ड के अंदर या इट्स प्रीटी नॉर्मल? अब मेरे लिए कभी प्रॉब्लम क्रिएट किया नहीं, क्योंकि मुझे इस चीज की आदत हो गई थी पहले से खेल खेल के. किसी को कर सकता है, तो आप लेंस यूज कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक आई हैड एनी प्रॉब्लम प्लेइंग विद स्पेक्स. और अब तो बिल्कुल भी किसी को नहीं दिखेगी कि अगर जेब इसका स्पेक्स पहन के हेलमेट पहन के इतनी क्लोजिंग में कैच पकड़ सकते हैं वो, तो आई डोंट थिंक सो स्पेक्स का बी अ प्रॉब्लम. या एक्चुअली आई वुड से दैट वाज लकी दैट जस्ट स्टार्टेड, बट थैंक यू फॉर दैट. राइट, जे कोच राजीव मेरा पूछते हैं कि आप इतना स्ट्रिक्ट फिटनेस रिजाइम एंड डाइट कैसे मैनेज करते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल एंड हाउ यू मैनेज इट? सी, व्हेन आई स्टार्टेड आई वांटेड टू गेट फिट and yeah, I wanted to get ahead of my game, but right now it's become my, what do you say, daily routine. It's become like I get up in the morning, it's become my routine, you can say. I don't have to just push myself to just go to a gym or eat clean. It's just, it has become my routine and it has helped me, so I've kept it and it's helping me. And I think so, everyone should at least go to the gym and start eating clean. Everyone, if they could do it thrice a week also, it's gonna be very good for them. Yeah, that's what I can say. It's just a routine, you can say. Now I'm adapted. It becomes a part of life that way. Yeah, you can say that. Okay, Jay Kunal puchte hai, who is the toughest bowler which you have faced till date in Ranji Trophy? Toughest bowler, I would say Jaydev Munatkar. He was difficult to play. Yeah. और अगर आप मुंबई कैंप की बात करें नेट्स में, I don't think so. Like we have really good bowlers, but yeah, the toughest I would say was sometimes Tushar Deshpande. He's quick. Right. Okay. Jay Sagar Mishra. Sagar Mishra asked you, how was your experience, you know, playing with Prakhopne cricketers? Yeah, like when I first played A division cricket, it was for Prakhopne. And I really enjoy playing with you, Sagar. And he's been the pillar of Prakhopne, you can say. Yeah, I really enjoy playing with Prakhopne. And I don't think so what happens, but it brings the best out of me. Whenever I play for Prakhopne, I've always performed. So I think so, yeah, it brings the best out of me. And I really love playing with the team. Yeah. And, you know, playing in club-level cricket for Mumbai, it's a fun. It's a different game, but it's a fun. It's fun, yeah. Maidan cricket has always been tough. I would say sometimes Maidan cricket is more tougher than playing for Ranji Trophy. Yeah, you have to, yeah, there's a game going beside you and you have to make sure that you are focused enough in your game and
anywhere. So if you're feeling over there, and the ball can hit you from anywhere. So I would say this is more tough and more challenging than Maidan cricket. Exactly. I think Maidan cricket ही आपके focus को ज़्यादा improve करता है, जो शायद आपका फिर wicket पे नज़र आता है. Exactly. Exactly. Okay, Jay. Jay, hi Sujay, and I am also a cricketer. During the lockdown phase, you know, how, I mean, there is no cricket happening outside. How does one keep himself fit and focused on his game? See, it's up to you. Like, I have set my own routine, you can say. I get up at some time. I have my routine fixed. I'll eat at this time, and I'll do stuff with it. I'll meditate at this time, and I'm going to do my fitness. It's up to you how you have to manage it. I always train 2 hours a day still, whether it be running or whether it be I'll be doing my gym sessions, my strength sessions. So yeah, it's up to you how much you're willing to do it when nothing is going right for you. You just have to do it. It's up to you how you manage it. Jay, someone is asking, what's your mindset when you are batting? ये question actually मुझे ही पूछना था गलत तरीके से. You being an opener, जैसे आप fielding कर रहे हैं, तो क्या वो mindset वो slog overs में ही बनना शुरू हो जाता है कि batting आने वाली है, या you take time, go and relax in dressing room, get prepared, and then come with a mindset? कैसे ये process होता है एक opener का? See, जैसे dressing room में जाते हैं, आपने देख लिया होता है पिच कैसा खेल रहा है, व्हेन यू आर फील्डिंग पर पिच कैसा खेल रहा है, और आपको पता रहता है उनके बॉलर्स का क्या स्ट्रेंथ है, तो आपने प्रिपेयर एक्चुअली मैच के पहले ही कर लिया होता है. और जब आप फील्डिंग कर रहे होते हैं, आपके बैक ऑफ द माइंड में रहता है, व्हेन यू गो इनसाइड एंड व्हेन यू आर पैडिंग अप, जस्ट वी जस्ट रिकलेक्ट इट. एंड व्हेन वी गो इनसाइड, वी ऑलवेज से दैट व्हेन यू गो इनसाइड टू बैट, योर हेड शुड बी क्लियर. And that's what I try and do. I clear my head and I just react to the ball. That's it. Okay. What's your diet plan like before your match starts? What do you prefer to eat? So basically, I'm on a keto diet plan. So probably I'll take some yogurt with some nuts in the morning and some omelet with cheese. That's what I'll eat in the morning before my practice session. Like, is that epigamma? Sorry, I did not get you. Is that epigamma or is the natural curd made at home? Like, natural curd made at home. Any curd you can take it, except it doesn't have sweetener in it. Any sense. And can you tell me with some good thing like before my match, because I'm a vegetarian and I can't have all of that stuff. So you could probably go with curd and nuts. You can eat paneer if you're a vegetarian, or you can eat lot of vegetables, green vegetables I prefer. And yeah, whatever is made at home, you can just eat it. It should be healthy, I'd say. Not very oily, but yeah, anything which is made at home, you can eat it. Our Indian food is much more better than any other way, if it's made at home. Thank you all. Jay sir, how you control matches pressure? Like, as I said earlier in my previous interview, that without pressure, there's no point. Like, if you don't have pressure while playing the game, you aren't interested in that. So yeah, I have pressure, and the best way to deal with the pressure is stay in the moment. But we feel pressure when we think about what's going to happen in future or what has happened in the past. But if we stay in future, if we stay in the moment, and if we focus on what we have to do right now, and if we focus on our processes, I don't think so you'll feel pressure. So it's important, whether you're a bowler or batsman, whatever you're going to do, you just focus on that thing. Focus on the ball. If you're a batsman, just focus on the ball. If you're a bowler, just focus on where you have to bowl. It's really easy, I would say. Okay. That's how you can control the pressure. Okay, Jay, thanks a lot once again. It was such a wonderful evening with you, and best wishes from all of us for your future ahead. Hope to see you thank soon you. In the greater limelight. Thank you. Thank you so much. Okay, Jay, thanks a lot.